राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मंडली कार्यशाला का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन में किया गया। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय राज ग्राम विकास संस्थान के महानिदेशक वेंकटेश्वर लू के अलावा मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, CDO अनु सिंह, मनोज कुमार सिंह, लक्ष्मी ठाकुर सिंघल सहित मंडल के संबंधित सभी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान 53 सहायता समूहों की महिलाओं को 1,32,39,000 का चेक वितरण किया गया। ये जो लक्ष्य की बात है, उसको हम लोग हासिल करने के लिए आपके हिसाब से क्या कठिनाइयां है वो हम लोग सुनना चाहे, पहले स्टेटस रिपोर्ट और आपके हिसाब से वर्तमान में आपको इसको झूठ झूठ के बातें करें, झूठ झूठ के और आश्वासन दे दे और चले जाए, कुछ होगा नहीं। लेट अस बी ऑनेस्ट, वेरी फर्स्ट थिंग, लेट अस बी ऑनेस्ट, सीरियसनेस पता हो और स्वयं उसके लिए ओनरशिप। डिप्टी कमिश्नर बना हुआ है, ये सोच रहा है कि कैजुअल वे है, लीडर कोई स्पष्टता नहीं है, कहा जाएगा? कोई भी तो हर एक प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए डाटा के अनुसार परिवार है और जिनको हमें कवर करना चाहिए 2,76,000 गोरखपुर में सब डाटा के अनुसार पैसे थे जो इंसेंटिव नहीं थे, इस साल इंसेंटिव हो गया। तो अब वहाँ भी काम होना, पूरा जिला सर इंसेंटिव हमारा हो गया है। अब ये जो है 1,50,000 परिवार, 1,86,000 जो हमारे बचे हैं उनको सर कवर करना है। 10 विकास खंडों में और भी बारिश भी है और कुछ कट भी रही है, बैंकों से थोड़ी सी सर दिक्कत आती है। जैसे सर मैं बता रहा हूँ सर कि अगर से सर जहाँ हमने ग्रुप बारिश हमें करना हो तो जो बैंकों में खाते खुलने और शीशे वाली जो दिक्कत है इसमें सर बहुत दिक्कत आती है। मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश की स्थिति है सर। और सुधीर सर से बात करके इसकी बैठकें करा के हम लोग कार्रवाई किए जहाँ जहाँ, लेकिन अभी भी वो दिक्कतें आ रही हैं। जैसे एक बार में 4 या 5 बार अगर दौड़ा देते हैं महिलाओं तो उनका मनोरथ ये नहीं करेंगे अपने हिसाब से उसको। ये सब सुधीर हर जगह से स्थिति आती है, इसलिए ये सब दिक्कत आती है। दौर में तमाम दिक्कतें गांव में आती हैं क्योंकि यह योजना किसी न किसी रूप में, चाहे वो जैसा इस तरह भी आपने कहा कि IRDP के रूप में किसी रूप में या स्वतः रोजगार का कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पहले यह एक योजना के रूप में था, आज हम इसको मिशन मोड में चला रहे हैं। और मिशन मोड का मतलब ये है, बल्कि उसका उद्देश्य है कि आज अगर वो पढ़ा नहीं है तो कल अनपढ़ नहीं रहेगा, बल्कि हम उसके पढ़ने के लिए